हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो है कैश बुक। कैश बुक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन जो मार्क्स स्टूडेंट्स के कट जाते हैं वो है फॉर्मेटिंग के वजह से। लेकिन फॉर्मेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, फॉर्मेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट पे हम पहले फोकस करने वाले हैं। जस्ट लाइक हमने जनरल में भी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस किया था रदर दन कि फॉर्मेट इसका कैसे बनेगा, डेट पर्टिकुलर। तो फॉर्मेट तो एक दिन का काम है, चाहे हम जर्नल के फॉर्मेट देख लें, चाहे लेजर के देख लें फॉर्मेट। वैसा ही कैश बुक के फॉर्मेट पे ऐसा ध्यान नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैश बुक का कॉन्सेप्ट है क्या। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पीछे हम रिवाइज करके आते हैं कि जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे आप लोगों की बुक पे लिखा होता है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग अकाउंटिंग रादर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा होगा। अलग अलग राइटर्स ने बुक का नाम अलग अलग लिख रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और वहां पे एक वर्ड होगा बुक कीपिंग। तो इसका मतलब भी आज देखेंगे कि बुक कीपिंग का क्या मतलब है। अकाउंटिंग का अगर आपको ध्यान हो तो हमने डेफिनेशन को पार्ट्स में पढ़ा था कि अकाउंटिंग का हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। अकाउंटिंग का हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है क्या, कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है हमने। तो हमारे ये दो ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के थे, जिसके लिए हमें कुछ आउटपुट चाहिए होगी। वन इज इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम आप 11th क्लास में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे, और एक हमें चाहिए होगी पोजीशन स्टेटमेंट, इसका दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो हमें ये दो स्टेटमेंट्स बनवानी होती हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस शीट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिजल्ट्स माने प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, और पोजीशन माने एसेट्स कितने के हैं और हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी हैं। तो इसलिए हमने एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये था रिकॉर्डिंग, जो हम बोलते थे कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे, जर्नल में। इसकी डिस्कशन हमने पहले कर ली थी। और जो जर्नल में हम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स की जब करते हैं तब उनको बोलते हैं हम एंट्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंट्रीज। जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस एसेट्रा एसेट्रा, तो एंट्रीज हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको जर्नल बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल बुक। एक बड़ी सी किताब लगा रखी होती है हमने इस तरीके की, और जिसको हम बोल देते हैं कि जर्नल बुक है, इसमें हमने एंट्रीज लिख रखी हैं, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इस तरीके से। तो जब हम एंट्रीज को क्लासीफाई करते हैं, एंट्री को क्लासीफाई करते हैं, तो हम लेजर, एक अलग से बुक लगी होती है लेजर, तो लेजर में हम इस एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं। एंट्रीज को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। किसमें पोस्ट करते हैं, अकाउंट्स बना करके। क्या बना करके, अकाउंट्स बना करके, कि हमने जर्नल में से एंट्रीज की पोस्टिंग कर दी लेजर में। और क्या बना करके, अकाउंट। हमने छोटे 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 घर बनाए थे, परचेज का घर, सेल का घर, इस तरीके से। और अकाउंट्स में से जब हम बैलेंस निकालते हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम समराइज कर रहे हैं, उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते थे। क्या बोलते थे, ट्रायल बैलेंस। तो
तो जैसे जर्नल एक बुक है, लेजर एक बुक है जिसमें अकाउंट्स होते हैं और जर्नल में एंट्रीज होती हैं, वैसा ट्रायल बैलेंस ऐसा कोई बुक नहीं है। इट्स अ स्टेटमेंट, एक पेपर पे बनती है जहां पे हम बैलेंस उतार देते हैं कि हमारे परचेज का टोटल कितना है, सेल का टोटल कितना है, इस तरीके से। अभी स्टूडेंट्स हम कैश बुक का टॉपिक तो उठाने वाले हैं, लेकिन आप कहोगे कि सर आप हमें पिछली रिवीजन क्यों करवा रहे हो कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमारा टॉपिक है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये कहां पे पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, तो तब तक उसका करने का कोई फायदा नहीं है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, हमने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं सेल की, परचेज की। तो जब हमने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, तो आप इमेजिन करो कि मान लो मेरी साल में 50,000 से 60,000 के करीब करीब ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो उसको अगर हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल का साइज जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जर्नल का साइज क्या हो जाएगा, इतना बड़ा, ये जैसे आप देख रहे हो इतनी मोटी जो है किताब बन जाएगी। तो जिसमें से बाद में हमें ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने में भी दिक्कत आएगी, और अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन को ढूंढना है कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन कब हुई थी, कितने रुपए की हुई थी, तब इतनी बड़ी बुक में से उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जर्नल एंट्री जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, जर्नल बुक इसको बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो प्राइमरी बुक बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं, प्राइमरी बुक। की हमने सबसे पहले बुक किसमें से किसमें रिकॉर्डिंग की, तो जर्नल में रिकॉर्डिंग की। इस बुक का नाम ही हमने क्या रखा है, जर्नल बुक रख रखा है। तो प्रॉब्लम क्या हुई स्टूडेंट्स, जब हमने इतनी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली तो उसको पोस्टिंग करने में भी हमें दिक्कत आएगी, और बहुत सारी ट्रांजेक्शन है इसलिए बाद में ढूंढने में भी दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हम भाई अलग अलग पर्सन को ऐसा अपॉइंट करते हैं। हमने क्या कहा कि मान लो इसको बुलाया, मैंने कहा भैया तू क्या करता है, कह रहा मैं जर्नल में एंट्री डालता हूं, मेरे से नहीं इतना काम होता, मेरे से इतना काम नहीं होता। ठीक है, तो हमने कहा हम ना काम बांट देते हैं, काम क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। हमने काम बांटा, हमने ऐसे कहा कि इसमें से कुछ ट्रांजेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं। तो हमने क्या कहा कि भैया आप आ जाओ, मिस्टर सी। तो हमने मिस्टर सी को कहा, मिस्टर सी आप ऐसे करना, आप जो एंट्रीज करना आप सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, आप सिर्फ किसको रिकॉर्ड करना, कैश के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, हम आपको बाकी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने नहीं देते। तो हमने जर्नल में से कुछ पार्ट जो है इस तरीके से निकाला और एक बुक अलग कर दी जिसको हमने कैश बुक कहा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मिस्टर सी को दे दी कि मिस्टर सी आप आज के बाद कैश की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने वाले हो। कह रहे ठीक है भैया कैश की ट्रांजेक्शंस को मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। फिर हमने कहा कि अभी भी बुक जो है वो बहुत बड़ी है, तो इसमें से भी अलग करते हैं। हमने एक बंदे को और बुलाया, मिस्टर पी को, किसको बुलाया, मिस्टर पी को। हमने कहा पी हमारी ना परचेज की ट्रांजेक्शंस भी बहुत हो जाती हैं, हमारी परचेज की ट्रांजेक्शंस भी बहुत आ जाती हैं, आप ऐसे करना, आप इसमें से हम अलग कर रहे हैं, आप इसमें से परचेज की एंट्रीज डालना अलग से, हम बाकी एंट्रीज आपको डालने के लिए नहीं कह रहे, सैलरी रेंट की, आप सिर्फ परचेज की डालना। और ये हमने बुक इसमें से जर्नल में से अलग कर दी, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, परचेज बुक, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ परचेज की ट्रांजेक्शन। जैसे ही मैंने मिस्टर पी को कहा कि आप परचेज की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, तो मिस्टर सी को गुस्सा आ गया। मिस्टर सी को क्या आ गया, ऐसा गुस्सा आ गया। मैंने कहा मिस्टर सी तुझे क्यों गुस्सा आया भाई, तूने तो कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। कह रहा बात सुनो, आपने मुझे कहा कि कैश की ट्रांजेक्शंस मैं रिकॉर्ड कर लूं, मैंने कहा हाँ, और परचेज की उसको बोल दिया। अब आप एक चीज बताओ, अगर हमने कैश परचेज की है
ये मिस्टर सी है, ये मिस्टर पी है. गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश. तो आपने मुझे कहा कि कैश के ट्रांजेक्शन को मैं लिख लेता हूं, परचेज को वो लिख लेगा. ऐसा पॉसिबल कैसे है? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. तो क्या मिस्टर सी कह रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो कि मैं ऐसे लिखूं टू कैश फॉर एग्जाम्पल 1 लाख और परचेज मैं लिखूं ना, क्योंकि परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसको दे दी? मिस्टर बी को. और मिस्टर पी क्या लिखेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू खाली. ऐसे पॉसिबल ही नहीं है. या फिर क्या हम दोनों लिखें कैश की ये पूरी ट्रांजेक्शन मैं भी लिख लेता हूं, ये पूरी ट्रांजेक्शन ये भी लिख लेता है. तो इस वजह से मिस्टर सी को क्या आया? गुस्सा आया. हमने क्या कहा? सी तेरी प्रॉब्लम ठीक है, तो सही कह रहा है. ऐसे करते हैं, हम मिस्टर पी को कह देते हैं आप सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस लिख दो. क्या लिख दो? क्रेडिट. माने जो उधार वाली हैं सिर्फ वो ट्रांजेक्शंस आप लिख देना. ये कहने लगे हां फिर ठीक है. अब बनी ना बात कि परचेज की उधार वाली ट्रांजेक्शंस वो लिखेगा और जितनी भी कैश वाली ट्रांजेक्शंस हैं वो मैंने लिखनी लिखनी है. लेकिन अभी भी काम बड़ा था. हमने क्या कहा कि इस बुक में से कुछ ट्रांजेक्शंस को अलग अलग करते हैं. इन बुक में से जो जर्नल थी, क्या थी? जर्नल बुक थी. हमने काम को इजी करने के लिए हमारी कन्वीनियंट मुताबिक इस बुक्स में से कुछ बुक अलग कर दी. तो हमने एक बंदे को बुलाया, मिस्टर एस को. किसको बुलाया? मिस्टर एस को. हमने मिस्टर एस को कहा, मिस्टर एस आप ऐसे करना, आप सारी सेल की ट्रांजेक्शन को अलग लिखना, आपने और कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखनी, सिर्फ जो गुड सेल हुई है आपने वो ट्रांजेक्शन लिखनी है. तो सेल कह रहा है, मिस्टर एस कह रहा है हां सर मैं लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके बाद फिर से किसको गुस्सा आ गया? मिस्टर सी को फिर से गुस्सा आ गया. कह रहा सुबह सुबह दिमाग मेरा खराब कर रहे हो आप. मैंने कहा भैया अब क्या हुआ? कह रहा आपने मुझे कहा कि मिस्टर सी कैश की ट्रांजेक्शन लिख लेना. हाँ मैंने कहा. तो आपने मिस्टर एस को बुलाया और उसे कहा कि आप सेल की ट्रांजेक्शन लिख लेना, क्योंकि हम काम बांट रहे हैं. तो आप ये बताओ अगर ऐसी ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000. तो मिस्टर सी क्या कहना चाहते हैं कि मिस्टर सी कह रहे हैं कि आप हमें यह बताओ कि इस ट्रांजेक्शन को मैं ऐसे लिखूं कि कैश तो मेरे पास आ गया और सेल इसने कर दी, मैं लिख दूंगा टू ब्लैंक और ये लिख देगा ब्लैंक डेबिट. ऐसा थोड़ा ना होता है कैश, या फिर हम दोनों लिखें कि ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा और मैं भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा. मैंने कहा हां भाई ये तो प्रॉब्लम है. ऐसे करते हैं मिस्टर सी आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, हम कुछ हल निकालते हैं इसका. हमने कहा मिस्टर एस आप ऐसे करना, आप सेल ट्रांजेक्शन लिखना, लेकिन कौन सी वाली? सिर्फ क्रेडिट वाली, जिनको हमने उधार गुड्स बेची हैं आप उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करना. परचेज की ट्रांजेक्शन मिस्टर पी रिकॉर्ड कर देगा और कैश कितना आया और कैश की में पेमेंट की या पेमेंट रिसीव हुई वो कौन लिखेगा? मिस्टर सी लिखेगा. जी सर लिख लेगा. और इस तरीके से हमने सेल बुक भी इसमें से क्या कर दी? अलग कर दी. तो एक चीज हमने इनको और कहा कि मिस्टर पी आप ना जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे, कोई एसेट परचेज करेंगे, तब मत लिखना, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ किसका काम संभाला गया है? गुड्स रिलेटेड. कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है आपने? गुड्स परचेज करने की करनी है. और सेल वालों को भी कहा आपने जब गुड्स बिकेंगी तब आपने लिखना है. कोई हमने प्लांट एंड मशीनरी, कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी तो आप लिखने वाले नहीं हो. ठीक है सर,
सर वैसे भी ना जब कोई कैश की ट्रांजेक्शन होगी वो तो मिस्टर सी नहीं लिखनी है, अगर हमने एसी बेचा प्लांट एंड मशीनरी बेची तो वो तो मिस्टर सी लिखेगा, यस। लेकिन हमने मिस्टर पी को क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, उधार वाली, और वो भी कौन सी, गुड्स वाली। कौन सी, गुड्स वाली, जी सर। अभी ये बताओ कि बाकी ट्रांजेक्शन्स कैसे, कुछ ट्रांजेक्शन्स तो कहां गई, इसमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स तो कैश में चली गई, तुमने कैश वाले ट्रांजेक्शन्स को ऐसे इस तरीके से अलग कर दिया कि भाई ये कैश बुक में लिखी जाएंगी और ये परचेज वाली ट्रांजेक्शन परचेज बुक में लिखी जाएंगी और जो सेल वाली ट्रांजेक्शन है वो किसमें लिखी जाएंगी, सेल में लिखेंगे, सेल बुक में। और जो बाकी ट्रांजेक्शन बची वो आप इस छोटी सी बुक्स में लिख लो, बाकी जो ट्रांजेक्शन बची आप इस छोटी सी बुक में लिख लो, ठीक है सर। तो हमने जो बाकी ट्रांजेक्शन थी वो उसकी छोटी सी जो है बुक रहेगी, हमने उसको बोला कि ये जर्नल प्रॉपर है। क्या है, जर्नल प्रॉपर। जब हमने जर्नल में से जो हमारी प्राइमरी रिकॉर्डिंग थी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी, हमने कैश की ट्रांजेक्शन को अलग कर दिया इन द बुक नेम कैश बुक, परचेज को हमने परचेज बुक में लिख दिया और सेल्स को हमने सेल बुक में लिख दिया, और जो बाकी बची एंट्री हैं तो उसको हमने कहां लिखा, जर्नल प्रॉपर में। कहां लिखा, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की एंट्री, क्या वो कैश पेमेंट होती है, आंसर इज नो। क्या वो परचेज की है, सेल की है, नहीं, वो कहां लिखेंगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है सर, हो गया। सर और कोई एग्जांपल, मान लो किसी को हमने प्लांट एंड मशीनरी बेची है लेकिन उससे कैश रिसीव नहीं हुआ, कैश रिसीव नहीं हुआ तो कहां पे लिखेंगे, क्या कैश बुक में लिखी जाएगी वो एंट्री, आंसर इज नो, कैश तो आया नहीं। परचेज बुक वाला वैसे नहीं लिखेगा, सेल बुक वाला नहीं लिखेगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये गुड्स में डील कर रहे हैं, जी सर गुड्स में डील कर रहे हैं, तो ऐसी एंट्री हम कहां पे लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो ये कॉन्सेप्ट है, जब हमने जर्नल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अलग अलग बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करवा दिया, तो इन सबको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स। सर सब्सिडरी बुक माने, सब्सिडरी बुक माने सहायक बुक। क्या बोलते हैं, सहायक बुक, जिसमें से कैश बुक, परचेज बुक और सेल बुक है। इसीलिए बुक कीपिंग वर्ड हम बोलते थे कि बुक्स में रिकॉर्ड हम रखते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड हम रखते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, हमने यहां पे देखा था। तो अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम टर्म बुक कीपिंग की बात करें कि बुक कीपिंग क्या है, तो रिकॉर्डिंग कहां हो रही है, रिकॉर्डिंग सर जर्नल में हो रही है, जर्नल प्रॉपर में हो रही है, परचेज बुक में हो रही है, सेल बुक में हो रही है और कैश बुक में हो रही है। और जो पोस्टिंग हो रही है अकाउंट्स की, अकाउंट्स में, तो वो कौन से बुक में हो रही है, वो लेजर बुक में हो रही है। तो ये बुक्स को मेंटेन करने को ही क्या बोल देते हैं हम, बुक कीपिंग बोलते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू मीन बाय बुक कीपिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो हम कह रहे हैं कि बुक कीपिंग को हम यहां तक की प्रोसीजर बोलते हैं, अप टू द प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, अप टू द प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। कुछ बुक में कह देते हैं कि भाई समराइज करने तक को बुक कीपिंग बोलेंगे, समराइज करने तक के ट्रायल बैलेंस बनाने तक की प्रोसेस को हम बुक कीपिंग बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद पर्टिकुलरली अकाउंटिंग ही है, अकाउंटिंग का एंड यहां नहीं होता समराइज तक, अकाउंटिंग का एंड होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। इसके आगे भी दो चीजें हैं, उसके बारे में हमने डिस्कशन अभी नहीं की। तो पार्ट्स में हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को सीख रहे हैं। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस हम कैश बुक का टॉपिक उठा रहे हैं। आप ये बताओ कि कैश बुक जर्नल का पार्ट है कि लेजर का पार्ट है। सर क्या टाइम पास कर रहे हो आप, अभी तो आपने बोला कि हमने जर्नल को अलग अलग करके कुछ बुक्स में बांट दिया, कैश की ट्रांजेक्शन को कैश में लिख दिया, परचेज की परचेज में और सेल की सेल में, जी। तो कैश बुक ऑब्वियस है किसका पार्ट हुआ, जर्नल का पार्ट हुआ। ये क्वेश्चन आपसे लगभग मैं 3-4 बार पूछूंगा, बार बार ऐसे ही कि कैश बुक जर्नल का पार्ट है कि लेजर का, जर्नल का पार्ट है कि लेजर का। तो आप ध्यान में रखना कि हमने कैश बुक किसमें से तैयार की, जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी, जर्नल थी,
उसमें से हमने कुछ ट्रांजेक्शन को स्पेसिफिकली अलग बुक में रिकॉर्ड किया। सर ठीक है, तो मिस्टर सी को बुलाया गया कि मिस्टर सी आप कैश की ट्रांजेक्शन को क्या करना, रिकॉर्ड करना। अब ये खुश है, अभी देखना, बहुत ध्यान से देखना, जब तक हमें समस्या नहीं पता उसका समाधान समझने में कोई मजा नहीं आएगा। अब उसको क्रैमिंग ही करोगे जब तक उसकी नीड हमें नहीं पता चलती कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो मिस्टर सी को बुलाया कि मिस्टर सी आप सिर्फ और सिर्फ अभी कैश की ट्रांजेक्शंस को लिखने वाले हो। कह रहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना ऊपर हेडिंग दे दूंगा कि मैं कैश बुक बना रहा हूं और उसमें मैंने कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस लिखना है। तो हमने मिस्टर सी को कहा, मिस्टर सी कैश परचेज हुई है, तो ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख। हमने कहा कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, मान लो राम का बिजनेस है। उसके बाद सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान लो ये 2 लाख है, 50,000 है, 50,000 है। तो इस तरीके से मिस्टर सी ने सारी ट्रांजेक्शन्स लिखनी शुरू कर दी, सैलरी टू कैश, सैलरीज दी तो सैलरीज टू कैश 10,000, रेंट आया तो कैश टू रेंट, और कोई ट्रांजेक्शन लिख ही नहीं रहा है। हमने कहा मशीन हमने परचेज की है उधार, अब एंट्री लिखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जो भी है जिससे भी हमने खरीदी है, लेट्स से एक्स वाई जेड। तो वो कह रहा भाई मिस्टर सी कह रहा मैंने नहीं लिखनी, मैंने तो सिर्फ कैश के लिखने। हमने कहा प्लांट एंड मशीनरी कैश में परचेज की है, तो कह रहा लिखवा लो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल टू कैश, और हमने कमीशन पे किया कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हमें राम से पैसे आ गए, राम से नहीं, मान लो हमने किसी को सेल की थी उधार, तो अगर उधार सेल हुई है तो वो ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड कर रहा है, मिस्टर सेल, मिस्टर एस रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन मान लो हमने कबीर को गुड्स सोल्ड की, सोल्ड गुड्स टू कबीर ऑन क्रेडिट बेसिस 10,000, तो इसकी एंट्री मिस्टर सी नहीं करेगा। हाँ, मिस्टर कबीर से बाद में पैसा आया तो एंट्री लिख देगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कबीर। जब ये एंट्री इस तरीके से लिख रहा था, इसके दिमाग में घंटी बजी, ये कह रहा है कि ये तो बड़ा बोरिंग सा काम है, परचेज टू कैश, कैश टू सेल, सेल टू मतलब इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, रेंट टू कैश, कैश टू रेंट, कैश टू इलेक्ट्रिसिटी, मैं सिर्फ कैश कैश करता जा रहा हूं। मैंने कहा वो तो करना पड़ेगा, कह रहे जो बोरिंग सा काम है। इसके बाद अगर मुझे लेजर बनाना पड़ा तो वो भी दिक्कत आएगी, कैश में ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, कैश में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, हम कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश का घर। और मजे की बात है ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, फॉर्मेट में अभी ध्यान नहीं दे रहे हम। तो इसने कहा तो ये तो मुझे एंट्रीज की पोस्टिंग करवाएंगे बाद में, परचेज में लिखो टू कैश, कैश में लिखो बाय परचेज 1 लाख, और कैश में लिखना है टू राम्स कैपिटल, ये हमने पोस्टिंग सीखी थी, और कैश में लिखेंगे फिर टू सेल 50,000, फिर हमने सैलरी टू कैश पे की तो कैश में लिखेंगे बाय सैलरीज, सैलरीज पे कितने की 10,000 की, और फिर से कैश आया कैश टू रेंट 20,000, फिर से हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की मान लो 15,000 की,
15,000 की प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, तो कैश में लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो फॉर एग्जांपल इतनी है, एक बार बात काट देता हूं। तो मिस्टर सी के दिमाग में आया कि अरे ये हो क्या रहा है, एक काम को बार बार लिख रहा हूं, कैश आ रहा है कैश जा रहा है, कैश आ रहा है कैश जा रहा है। पहले मैं ट्रांजेक्शन को लिखता हूं, जर्नल एंट्री लिखता हूं, फिर उसको लेजर में पोस्ट करवाएंगे मेरे से। मैंने कहा वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जर्नल को अलग किया है ताकि काम इजी हो जाए। इसने एक चीज ऑब्जर्व की, वो क्या था, कह रहे यार एक चीज समझ में नहीं आ रही, ये कैश है, जब भी कैश आ रहा है, कैश आया इसमें, राम लिख आया, कैश आया सेल्स में, हाँ, कैश आया रेंट से, मैंने कहा हाँ आया है, तो ये सारी चीजें टू राम्स कैपिटल से आया पैसा, सेल से आया, रेंट से आया, तो वे साइड आ रहा है, मैंने कहा हाँ वो तो आएगा। कह रहा हूं जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं परचेज टू कैश और सैलरी टू कैश, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, ये रही, तो ये सारी चीजें इधर आ रही हैं, परचेज सैलरीज प्लांट एंड मशीनरी, मैंने कहा हाँ वो तो है। कह रहा इसके बाद मुझसे बैलेंस करवाएंगे, 270,000, 270,000 में से हमने 1,00,000 और ये 15,000 माइनस किया, 1,25,000, ₹1,45,000। याद है हम इसको क्या लिखते थे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कह रहे ये चीज क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा भैया देख, ये कोई बैलेंस ऐसा सच ये नहीं है कि हमने यहां कहा कि 2,70,000 वो सिपाही इधर हैं तो इधर है 1,25,000, पहले बाकी सिपाही लेके आओ फिर हम लड़ेंगे, तो इधर 1,45,000 के सिपाही कम है, नहीं। उसने कहा ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो कैश आ रहा है वो इस साइड आ रहा है और जो कैश जा रहा है वो इस साइड आ रहा है। मैंने कहा पहले तो ये बैलेंस समझने की कोशिश कर, तुझे पता है ना ये सारा कैश आया हुआ है। मैंने कहा 2,50,000, 2,70,000, पहले 2,00,000 आया राम्स कैपिटल से, 50,000 आया सेल से और 20,000 आया रेंट से। कह रहा हाँ 2,70,000 आ गया, 2,70,000 में से 1,25,000 की पेमेंट हुई है, हाँ जी, तो 1,45,000 तेरे पास अभी कैश पड़ा है। ओहो अच्छा, तो बैलेंस कैरी डाउन का मतलब ये है हाँ कि अभी हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, 1,45,000 31 जैन को। लेट से सर आप कहते थे कि हम इसको 1st ऑफ फेब में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, हाँ 1,45,000, और आपने कहा करते थे कि ये बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है, ये बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है, तो हम कहते थे कि ये बैलेंस डेबिट है, क्या है डेबिट, क्यों पड़ा तो ये क्रेडिट साइड पे है, नहीं सर डेबिट साइड ज्यादा थी क्रेडिट साइड कम थी, तो जो बैलेंस बचा वो क्या था, क्रेडिट था। एक थोड़ी सी बकवास करें यहां पे छोटी सी, जब हमने कहा था कि इधर 2,70,000 सिपाही हैं, जी सर, इधर 1,25,000 सिपाही हैं, जब 2,70,000 सिपाहियों ने 1,25,000 सिपाहियों से लड़ाई लड़ी तो 1,45,000 सिपाही किसके बचे, सर इस साइड के बचे, यस। तो हमने सिर्फ बैलेंस लिखा है कि ताकि पता चल जाए कि हमारे पास बैलेंस बचा कितना है, हमारे पास बैलेंस बचा कितना है, 1,45,000। इट मींस हमारे पास कैश बचा हुआ है कितना, 1,45,000, जी सर। अब ये बताओ डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, सर ये डेबिट बैलेंस है, देखना ध्यान से। मैंने स्टार्टिंग से कहा था, हमने जब डिस्कस किया था कि डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस का होगा या एसेट का, क्रेडिट बैलेंस या तो इनकम का होगा या लाइबिलिटी का। अब ये बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है, सर डेबिट है, पड़ा तो क्रेडिट साइड पे है, सर फिर क्या हुआ, क्रेडिट साइड पे पड़ा है, ये उस साइड से आया है तो इसलिए ये डेबिट बैलेंस है, हाँ, तो ये क्या एक्सपेंस है, सर नहीं कैश एक्सपेंस थोड़ा ना हो सकता है, ये तो हमारी एसेट है, ये तो हमारी क्या है, एसेट है, हाँ। मैंने कहा यही तो बात है,
अभी कैश आपकी एसेट है? बोलो हाँ, ये सर है। तो याद है हमने रूल किए थे डेबिट क्रेडिट के, मिस्टर डेबिट एंड मिस्टर क्रेडिट, याद है सर हमें? बहुत, हम इसको कैसे भूल सकते हैं? ये तो दो लोग थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। तो हमने कहा था कि डेबिट एक्सपेंसेस देखेगा, क्रेडिट इनकम देखेगा, ये कम्स इन देखेगा जब चीज आ रही है, ये जा रही है देखेगा, हाँ, और ये रिसीवर देखेगा और ये गिवर देखेगा। जी सर, हम देखा था, हाँ। तो हमने कहा था कि ये जो कम्स इन गोज आउट है, ये पर्संस पे नहीं लगता, ये चीजों पे लगता है, थिंग्स पे। हाँ सर, चीजें आती जाती रहती हैं, पर्संस आते जाते थोड़ा ना है, वो तो या तो रिसीवर होंगे या गिवर होंगे। ओहो, तो फिर सर उसे क्या होगा? यही तो है, कैश एक एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, जो आ रहा है उसको कौन देख रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड हमने सारा क्या लिख रखा है? कैश आया 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 आया, और क्रेडिट क्योंकि गोज आउट होता है तो हमने क्रेडिट साइड क्या लिख रखा है? गोज आउट। कैश कितना क्या? तो ये बात है। तो इसलिए मिस्टर सी को एक बात समझ आई कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने की है। हमने कहा हाँ भाई, तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करेगा। कह रहा भैया आपने मुझसे यही पूछना है एट द एंड कि कैश कितना आया कितना गया। मैंने कहा हाँ, कैश कितना आया कितना गया ये पूछेंगे। कह रहा आप ये भी पूछोगे कि बैलेंस कितना बचा हुआ है? मैंने कहा हाँ। कह रहा फिर मुझे एक बात समझ आ गई, मैं इस तरीके से तो कैश की ट्रांजेक्शंस को लिखने वाला नहीं हूं, मैं इस तरीके से कैश की ट्रांजेक्शंस को लिखने वाला नहीं हूं, इस तो बोरिंग सा काम है। परचेज टू कैश, कैश टू रेंट, कैश टू सेल्स, सैलरी टू कैश, कैश टू रेंट, प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, और कैश काउंट डेबिट टू कबीर ना। मैं ये बोरिंग काम करने वाला नहीं हूं, मिस्टर सी कह रहा है। ओहो, तो सर सी अब क्या करेगा? सी ने सारे कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी और अपना एक नया मेथड निकाल लिया। कह रहा कैश बुक बनानी है ना? मैंने कहा कैश बुक जर्नल का पार्ट है कि लेजर का पार्ट है? सर फिर से पूछ लिया, दोबारा से पूछूंगा। मैंने बोला है कि मैं 3-4 बार पूछूंगा कि कैश बुक किसका पार्ट है। सर हमने जर्नल में से अलग किया था। लेकिन मिस्टर सी ने अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक क्या किया देखना। सी कह रहा अपने से तो कोई भी एंट्री लिखी नहीं जाती, आपने एक मेरे को सीधी सी बात बता दी। मैंने कहा क्या? अभी बताता हूं। कह रहा ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। हाँ जी सर, और क्योंकि ये कैश है, डेबिट साइड में रिसीट आएगा, रिसीट्स। मैं क्या? हाँ, और क्रेडिट साइड पेमेंट्स आएंगी। यही तो था। ये रहा, डेबिट साइड आप रिसीट लिखवाओगे, क्रेडिट साइड पेमेंट लिखवाओगे। आप पहले मुझसे जर्नल एंट्री करवाओगे, उसके बाद वो हम उसको उधर लेके जाएंगे। कह रहे भैया हम तो सीधे लिखेंगे कि डेबिट रिसीट है, अगर पैसा आया तो इधर लिख देंगे, अगर पेमेंट हुई तो इधर लिख देंगे, अमाउंट, अमाउंट इन रुपी, अमाउंट इन रुपी। तो आप बोलो क्या ट्रांजेक्शन हुई है? मैंने कहा भैया सेल हुई है 10,000 की, ये लो सेल है तो पैसा आया है, टू सेल्स 10,000। मैंने कहा रेंट रिसीव हुआ है हमें 50,000 का, पैसा आया है कि गया? सर हमें पैसा आ गया, रेंट रिसीव हुआ है, टू रेंट 50,000। मैं एंट्री नहीं लिखने वाला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, हम सीधा लिखेंगे कि कैश आ गया तो रिसीट साइड लिख दो, कैश चला गया तो पेमेंट साइड लिख दो। ओहो, विदाउट जर्नलाइजिंग द एंट्री उसने कैश बुक का फॉर्मेट बदल दिया कि कैश आएगा तो इधर, कैश जाएगा तो इधर। अच्छा, मिस्टर मलिक ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए लगा के, तू लिख देगा मिस्टर मलिक्स?
कैपिटल। मैंने कहा मिस्टर सी, अगर मान लो हमने परचेज किए हैं गुड्स, फिर तो क्या रकम आ रहा है? ये देखो 15,000 की परचेज की है, माने पेमेंट हुई है परचेजेस। हमने कहा मान लो हमने परचेज किया, हमने पेमेंट नहीं की, तो कह रहा वो मैंने थोड़ा लिखनी है, परचेज की है पेमेंट नहीं की, वो कौन देखेगा? मिस्टर पी देखेगा। ओके, मुझे तो ये बताओ कि कैश वाली ट्रांजेक्शन कौन सी है, और उसमें से मैं देख लूंगा कि कैश आया और कैश गया। हमने कहा प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 20,000 की, लो खरीद लो, बाय प्लांट एंड मशीनरी पैसा चला गया। ओके, मैंने कहा लेकिन तेरे इसमें एक गड़बड़ है। कह रहा क्या गड़बड़ है? मैंने कहा ये बता यहां पे डेट कैसे लिखेगा? हम ना जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम ना यहां पे डेट लिखते हैं कि 1 जनवरी को हमने परचेज की, 1 जनवरी को उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, फिर हमने 10 जनवरी को सेल की, हमने सैलरी पेड की 15 जनवरी को, ठीक है, फिर हमने रेंट रिसीव किया 28 जन को। तो ये कहां से लिखेगा? बस इतनी सी बात। लो मैं और इजी कर देता हूं, ये रहा डेट, इधर भी एक डेट वाला कॉलम डाल देंगे, डेट। दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 जन को मिस्टर राम ने कैपिटल, मिस्टर मलिक ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 जन को हमने सेल की, 15 जनवरी को हमारे पास रेंट आ गया, परचेज हमने की 1 जन को, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 12 जन को। ओके, तो फिर कह रहा बात खत्म। आप मुझसे यही पूछोगे ना कि कैश कितना आया, मैं बोल दूंगा कि ये देखो 2,00,000 एक आया, 10,000 एक आया, 50,000 एक आया। और आप मेरे से पूछोगे कि पेमेंट कितनी हुई, मैं यहां पे लिख दूंगा कि 15,000 की पेमेंट इतनी हुई, 20,000 की पेमेंट एक हुई। और आप मुझसे इधर पूछते अगर कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो शायद मुझे ज्यादा टाइम लगता। मैं देखता, अच्छा ये आया है और ये गया है, सॉरी ये गया, ये गया, ये गया, और ये आया, ये आया, ये आया, इस तरीके से मेरे को देखना पड़ता। लेकिन यहां पे मेरे पास रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है सारी, कि ये वाला कैश आया है और ये वाला कैश क्या है। ओके, तो इस तरीके से मिस्टर सी ने फॉर्मेट तो लेजर वाला बना दिया, लेकिन हमने उसको कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का काम सौंपा था। बोलो ये बताओ कि पहले कैश के ट्रांजेक्शन को ऐसे लिखें और उसके बाद हम उसको ऐसे भेजें, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि कैश कितना आया, डेबिट व्हाट कम्स ऑन होता है तो रिसीट हो गया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है तो पेमेंट हो गया। सर हां ये सही है। तो उसने कहा बैलेंस बताऊं, बैलेंस ये देखो अभी मंथ खत्म हो गया। सर लेकिन ना बैलेंस करते समय ना हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी साइड बड़ी है। पूछो अपनी अंतरात्मा से, अंतरात्मा से पूछा कि अंतरात्मा कौन सी साइड बड़ी है, तो अंतरात्मा ने कहा देख लो भाई टोटल करके, तो इस साइड का टोटल कितना है, 2,60,000। अच्छा अलग से लिखा 2,60,000, तो इधर कितना है 35,000। तो अगर हम इधर भी 2,60,000 बनाएंगे तो 2,60,000 में से अगर हमने 35,000 माइनस कर दिया तो 2,25,000 क्या बचा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 जनवरी, लेट से 31 जनवरी तक ये बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमने जैन मंथ में 2,01,000 रिसीव किया, 10,001, 50,001, 2,60,000, और उसमें से हमने 15, 10, 20, 35 की पेमेंट कर दी। हमारे पास कैश अवेलेबल कितना है एट दिस टाइम 31 जैन को, तो सर वो है 2,25,000। यस, एक मजे की बात बताऊं। जी सर बोलो। कभी भी इस साइड जो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा नहीं होगा, हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगा। सर ऐसा क्यों? अरे जितना कैश आया है उससे ज्यादा हम पेमेंट तो कर ही नहीं सकते। मान लो मेरे पास 2,60,000 कैश आ गया, ज्यादा से ज्यादा मैं 2,60,000 की पेमेंट कर सकता हूं कैश में, तो या तो बैलेंस नील बचेगा या पॉजिटिव। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ गया और हम बैलेंस इधर निकाल रहे हैं। सो सिंपल। अब ये बताओ ये बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है? सर डेबिट है।
पड़ा तो क्रेडिट साइड पे है। सर फिर क्या हुआ, क्रेडिट साइड पे पड़ा है, बैलेंस तो इधर वाला ज्यादा था, हमने इधर टोटल करके लिख दिया। हाँ, तो उसके बाद ये अगले मंथ भी इसने कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी थी, तो फर्स्ट ऑफ फेब को ये इधर ले आया, टू बैलेंस ब्रो डाउन कितना 225,000। उसके बाद इसने फेब मंथ शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल, तो 2 फेब को सेल हुई, 2 सेल्स इसने लिख दिया 30,000, और इस इन दिनों इन्होंने हैवी प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी और कुछ सैलरीज पे की, तो सैलरीज पे भी हुई तो पेमेंट होगी, तो एंट्री को सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा हमने 50,000 की एक परचेज की और 55,000 की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की। अब ये बताओ कि मान लो ये फेब मंथ खत्म हो गया, 28 फेब यही ट्रांजेक्शन हुई थी हमारी पास बस, तो कौन सी साइड बड़ी होगी सर इसकी? डेबिट साइड। डेबिट साइड बड़ी होगी, लेकिन इसको रीड करने की कोशिश करो कि हमारे पास 225,000 कैश पड़ा था, 30,000 हमारे पास और आ गया, 255,000 कैश हमारे पास फेब में था, जिसमें से हमने 105,000 की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। और हमारे पास बचा कितना कैश, 1,50,000। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, माने इसको अगले मंथ ले जाओ। तो अगले मंथ से वही प्रोसेस फिर है, 1st of March 2 बैलेंस ले आए। जब हमने मार्च मंथ स्टार्ट किया तो हमारे पास कैश कितना अवेलेबल था, 1,50,000। तो ये है कॉन्सेप्ट कैश बुक का, ये है कॉन्सेप्ट कैश बुक का, बहुत इजी है। तुमने देखा कि कैश बुक एज अ पार्ट ऑफ जर्नल, ताकि हमने उसको अलग किया, ताकि हम कैश की ट्रांजेक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा थी तो जर्नल में लिखते, फिर उसको लेजर में पोस्टिंग करते, तो शायद एक बड़ा सारा अकाउंट बन जाता, तो हमने एक सेपरेटली बुक ही लगा दी। और उस बुक का मिस्टर सी ने बड़ी क्लेवरली फॉर्मेट बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा कि भाई मैं डेबिट साइड जो है कैश कितना है वो लिख दिया करूंगा, और क्रेडिट साइड कैश की जो पेमेंट हुई है वो लिख दिया करूंगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन होता है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। ऑल्दो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे इन द प्राइमरी बुक, बट उसने इसका फॉर्मेट कहां से कॉपी कर लिया, लेजर से। अब आप बताओ कैश बुक जर्नल है या लेजर है, क्योंकि आपने लेजर किए हुए हैं, दिखता लेजर की तरह है बट रिक्वायरमेंट किसकी पूरी कर रहा है, ये जर्नल की। बोलो बात समझ आई आपको? एक बड़ा शॉर्ट नोट आता है 11th क्लास में, व्हाट इज जर्नल प्रॉपर, तो आप जर्नल प्रॉपर को भी अभी डिफाइन कर सकते हो कि भाई जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में से हम सब्सिडरी बुक्स अलग कर दें, कि परचेज की ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली परचेज बुक में और सेल की सेल बुक में और कैश की कैश बुक में, देन जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल प्रॉपर कहते हैं। तो कैश बुक इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, कैश आया कितना और कैश गया कितना। बोलो बात समझ आई? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ अभी हमने ये समझने की कोशिश की है कि कैश बुक क्यों बनाई जा रही है, कैश बुक क्यों बनाई जा रही है। देखना ध्यान से, तो जैसे जैसे आपको ट्रांजेक्शन्स होंगी आपकी बुक में से क्वेश्चन है, तो अभी एक थ्योरेटिकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैश बुक में क्या ये सिंपल सा फॉर्मेट है। तो फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ ये फॉर्मेट समझोगे कि जब भी हमें क्वेश्चन कहेगा कि आप कैश बुक प्रिपेयर करवाओ, तो वो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दे देगा, आपको कहेगा कि मिस्टर मलिक कमेंस बिजनेस विद कैश, सैलरी पेड, रेंट पेड, परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो जो जो कैश की ट्रांजेक्शन्स वो कह रहा है, आपको वही ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स दे देगा, उधार परचेज की है जी हमने, तो हमने उधार सेल की है, हमने उधार प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी,
लेकिन आप लोग चौकन्ने हो जाना कि ये ट्रांजेक्शन्स हम जो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं हम कैश बुक में लिखने वाले नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा 7-8 ट्रांजेक्शन्स आएंगी तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट बनाना होगा उसका कि हम कैश बुक किसके लिए बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मलिक। अगर एग्जाम में नाम नहीं है कि बुक्स किसकी बन रही हैं तो आप इन द बुक्स ऑफ लिख करके इस तरीके से उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। तो फॉर्मेट अभी मैं पूरा नहीं बता रहा, थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि अगली वाली क्लास में हम कंटिन्यू कर सकें। तो उसने एक डेट का कॉलम बनाया कि किस तारीख को पेमेंट आ रही है रिसीट और अमाउंट कितनी आ रही है। अगेन उधर इसने इधर इस साइड पे डेट वाला कॉलम बनाया और यहां पे उसने लिखा मिस्टर सी ने पेमेंट्स और फिर एक अमाउंट वाला कॉलम बनाया और उसने कहा कि ये भाई डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, इसी वजह से हमने रिसीट में डेबिट व्हाट कम्स इन लिखा और क्रेडिट में व्हाट गोज आउट लिखा। तो आप एक चीज लिखना मत भूलना, अमाउंट इन रुपीस, इसका एक मार्क कट जाता है कि जो आप अमाउंट लिख रहे हो वो किस में लिख रहे हो, रुपीस में लिख रहे हो या डॉलर्स में लिख रहे हो इस तरीके से। और ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। उसके बाद आप कैश की ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करो और इसमें लिखते जाओ कि 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया राम ने, 40,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किया, फिर उसने 2 अप्रैल को परचेज की बाय परचेजेस, जस्ट ऐसा एक सिंपल सा फॉर्मेट दोबारा बता रहा हूँ, 10,000 की। तो वो कहेगा हमने सैलरी पे की, सैलरी नहीं पे करनी हमने, फॉर एग्जांपल गुड सेल की 4 अप्रैल को, तो पैसा आ गया तो 10,000 रुपये यहाँ से आ गया। तो वो कहेगा हमने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, बैंक में पैसे कैश जमा करवा दिए, तो कैश आया कि गया, सर कैश चला गया, 5,000 हमने बैंक में जमा करवाया तो भाई बैंक कहाँ गया, 10,000 कहाँ गया, परचेज कर लीजिए, ये 5,000 कैश कहाँ गया, बैंक में जमा करवा दिया। तो प्रोपराइटर जो है वो घर पे निकलवा के ले गया 2,000 रुपये, तो हमारे पास से तो कैश गया बाय ड्रॉइंग, ये लेट्स से 17 अप्रैल है और 30 अप्रैल है फिनिश। तो उसके बाद आप इसको बैलेंस करोगे, क्वेश्चन इस तरीके से 6-7 ट्रांजेक्शन पूछेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम 2 लाइन ही लगा करके बंद कर देंगे कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का, सर क्या आप भी हमेशा डेबिट साइड का टोटल होगा 50,000 में से इसको रीड करो कि हमारे पास रिसीट 50,000 आई, उसमें से हमने 17,000 पेमेंट कर दिया, तो 33,000 हमारे पास क्या बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये टोटल आमने सामने आने चाहिए पैरेलल। अगर पेमेंट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी टोटल को नीचे ले आना, ये बाकी स्पेस जैसे इस तरीके से यहाँ पे इतनी खाली छोड़ी है तो आप बहुत ज़्यादा खाली छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, इसको पैरेलल लिखना। तो यहां तक का कैश बुक का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। और जैसे लेजर में करते थे कि हमने 30 अप्रैल को जो बैलेंस उतारा वो 1 मई से टू बैलेंस ब्रो डाउन कर करके 30,000 जो है इस तरीके से हम बैलेंस निकाल करके आएंगे। तो ये आप क्वेश्चंस बुक में से कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी डिस्कशन और करते हैं। कई बार जो क्वेश्चन होगा जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस कमेंस से आपको क्वेश्चन दे, आपको डायरेक्टली वो फेब मंथ की कैश बुक बनाने के लिए कह सकता है। तो उसका स्टार्टिंग से जो आपको ट्रांजेक्शन देगा, लाइक वो लिख देगा क्वेश्चन प्रिपेयर कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जून, ऐसे जून इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मलिक
तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, इसको नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक चीज बता रहा हूं, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ जून. तो फर्स्ट ऑफ जून को वो यहां पे लिखेगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 15,000 रुपया. तो उसके बाद अपनी वो फर्स्ट ऑफ जून, सेकेंड ऑफ जून परचेज गुड्स 10,000, 8 जून सोल्ड गुड्स 12,000. तो ये तो मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पे स्टूडेंट्स, ये क्या चीज है कैश इन हैंड, परचेज गुड्स है ठीक है सर पेमेंट होगी, सेल्फ गुड्स है ठीक है सर रिसीट आके डेबिट साइड डाल देंगे, लेकिन ये क्या है, ये कुछ नहीं है, लास्ट मंथ में जो कैश हमारे पास बचा पड़ा था, अगर ये मैं फॉर्मेट की बात करूं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पेमेंट अमाउंट सॉरी डेट रिसीट अमाउंट, डेट पेमेंट अमाउंट एंड अमाउंट इन रुपी. तो आप सेकेंड ऑफ जून को लिख दोगे नो डाउट बाय परचेज 10,000 हमने पेमेंट कर दी, जी सर हमने पेमेंट कर दी. आप 8 जून को भी लिख दो कि कोई इश्यू नहीं है कि सर सेल हुई तो 2 सेल्स, ये तो हमें पता ही है सर इधर 2 2 2 2 होता है, इधर बाय 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 होता है. तो ये क्या है कैश इन हैंड, ये कोई बिजनेस कमेंस नहीं किया, इसके पास लास्ट मंथ का कैश बचा पड़ा है. तो इसको हम जैसे पिछले क्वेश्चंस में कैरी फॉरवर्ड करते थे, क्या करते थे कैरी फॉरवर्ड, तो हमें वही बैलेंस बता रखा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में इतना बैलेंस पड़ा था. तो इस तरीके के क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है कि फर्स्ट ऑफ जून को हमारे पास टू बैलेंस ब्रो डाउन पड़ा है कितना 15,000. तो ये है, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा राम कमेंस बिजनेस विद कैश से शुरू हो, तो आप पहली एंट्री में आप ढूंढो कि हमारे पास कैश आ गया, तो कैश पड़ा भी हो सकता है तो वो लिख देगा कि कैश इन हैंड या कैश ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट मंथ जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है. तो इसकी शुरुआत ऐसी होगी, फॉर एग्जांपल मान लो इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो पैकअप इसका ऐसे हो जाएगा 27,000. तो ऑब्वियस है डेबिट साइड बड़ी होगी, 27,000 में से 10,000 माइनस किया 17,000 क्या बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन जैसे 30 जून. और अगेन कैश बुक हमारी यहां पे पैकअप नहीं होती है, हमारी पैकअप होती है 1 जुलाई को टू बैलेंस ब्रो डाउन करके 70,000. दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक, कुछ ज्यादा करने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने टाइम इसलिए लगाया कि ताकि हमें पता चले कि कैश की कैश बुक है जो बन कहां पे रही है, किस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हो रही है और क्यों हो रही है. तो फॉर्मेट पे कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये कैश बुक बना दी अब लेजर बनाने की जरूरत नहीं है. लेजर का कॉन्सेप्ट दोबारा से फिर से देखेंगे हम जब हम सेकेंड पार्ट जर्नल का करेंगे, अभी तक फिलहाल हमने जर्नल का फर्स्ट पार्ट किया है और लेजर पोस्टिंग हमने सीखी थी. तो उसी बेसिस पे हमने 2 चैप्टर खत्म करने चाहे, एक तो हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर किया, एक हमने कैश बुक का चैप्टर और एक हमने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया है, उतनी बेसिक नॉलेज लेकर के. जो थोड़ी सी एडवांस नॉलेज लेंगे तो उसमें बहुत टेक्निकल से एस्पेक्ट होंगे जिसमें हम फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरीके से जर्नल का फॉर्मेट है लेजर का फॉर्मेट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे. तो फॉर द टाइम बीइंग यहीं पे करते हैं क्लास खत्म. तो इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे कि कैश बुक कितने तरह की होती है. अभी इसके क्वेश्चंस आपको बुक में से नहीं पता चलेगा, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक के लिखे होंगे वो आप ट्राई कर सकते हो. लेकिन बेसिकली कैश बुक 3 तरह की होती हैं, सिंगल कॉलम डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम. तो ये कैश बुक क्या है और ये कहाँ कहाँ पे बनती है. सर ये वाली जो हमारे पास थी ये सिंगल कॉलम थी, सर सिंगल कॉलम का क्या मतलब होता है, फिर सर डबल कॉलम में क्या होगा, इसमें तो बहुत सारे कॉलम थे. तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं हम अगली क्लास में जो है डिस्कस करेंगे ताकि आप
हैवी ना फील करने लग जाओ कि हाँ भाई एक क्लास में हमें कैश बुक का सारा कवर करवा दिया तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और होपफुली आप इसको रिवाइज कर लोगे और सभी कॉन्सेप्ट अगली क्लास में पढ़ के आओगे। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्लास इज ओवर, थैंक यू।